भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेड चौथे दिन भी जारी है। सूत्रों के अनुसार रेड आज रात खत्म हो जाएगी। आज सुबह टीम ने सीए रवि जलान को पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर लाकर और डिप्टी मेयर के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। वहीं अकाउंटेंट कुंदन झा के घर पर टीम के द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि भागलपुर स्थित हरिओम ज्वेलर्स दुकान में दो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे थे, एक आरम और दूसरा टेली, जिसमें 40 से 50 करोड़ का अंतर आ रहा है। वहीं 28 लाख रुपए नगद सीज किए गए हैं, जबकि घर से 200 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की गई है, जिसका कोई कागजात इनके द्वारा नहीं दिखाया गया। अगर कागजात नहीं दिखाए जाते तो टीम उन्हें भी सीज कर लेगी। वहीं कंप्यूटर के सीपीयू को टीम अपने साथ ले जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर को टीम के द्वारा 5 से 6 दिन के अंदर इनकी जमीन कहां कहां है बताने का निर्देश दिया गया है। अगर वो सही से नहीं बता पाते और इनकम टैक्स की टीम को बाद में पता चलता है तो ऐसी बेनामी संपत्तियों को इनकम टैक्स सीज कर लेगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि कोलकाता, पूर्णिया और देवघर के प्रतिष्ठानों में भी हिसाब में काफी अंतर मिला है। वहीं टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आज यह रेड समाप्त हो जाएगी। आगे मैं कह छोड़ा नहीं।